नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ है सुमित पीर सर। सुमित पीर की जो स्पेशलिटी है सर, की जो स्पेशलिटी है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग निश एरिया है, दैट इज चाइना। और इस वक्त चाइना फिर से न्यूज में है बिकॉज ऑफ देयर कोविड। बट सुमित पीर सर हैज अ वेरी डिफरेंट एंगल टू टेक एंड ही सेज सर, आपसे क्वेश्चन है, आप इसको स्मोक स्क्रीन क्यों कहते हैं? ये जो हम सुनामी की बात कर रहे हैं, कोरोना की सुनामी आ रही है चाइना में, कोविड की सुनामी आ गई है फिर से, आप इसको बार बार स्मोक स्क्रीन कह रहे हैं? जी देखिए, गायत्री जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और सभी दर्शकों को आभार और साधुवाद। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अगर आपको चाइना को समझना है, यू हैव टू सी व्हाट चाइना डजंट वांट यू टू सी, यू हैव टू बिलीव व्हाट चाइना डजंट वांट यू टू बिलीव, यू हैव टू परसीव व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू हाइड। ये मुझे बताइए, 15 दिन पहले कोई चाइना में नहीं मर रहा था, 29,000 लोग रोज मरते हैं चाइना में, 29,000 लोग रोज मरते हैं, 1 मिलियन पीपल डाई इन अ मंथ, और यही विंटर्स में डेथ रेट 10 से 20% बढ़ जाती है, ये एवरेज है। बीजिंग में क्रिमेटोरियम्स के बाहर लाइन लगना विंटर्स में कोई बड़ी बात नहीं, ग्रूमिंग वो जो कहते हैं ना कॉस्ट, जो ये फ्यूनरल क्लिनिक्स में रश आना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे बताइए, अचानक ही वीडियोस कहाँ से आने लगे, अचानक ही वीडियो क्यों दुनिया को दिखाए जा रहे, क्या किया जा रहा है? और पिछले जुम्मे को जो मर रहा था, फ्राइडे को, वो नॉर्मल मर रहा था, इस जुम्मे को सब कोविड से मर रहे हैं। देखिए, आपने 80 से 100 करोड़ लोगों को एक साथ बंद किया, जब आपने बंद किया, अगर आप एकदम खोल दोगे कोविड बबल आएगा, हर जगह दुनिया में धीरे धीरे करके ओपन अप हुआ, इन्होंने एकदम ओपन अप कर दिया, कोविड बबल आया और कोविड थोड़ा फैलेगा, कुछ लोग मरेंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो ओल्डर जनरेशन है वो ज्यादा वल्नरेबल है, पर इनको फर्क कुछ नहीं पड़ता, कहते बुढ़े मरते तो मरने थे, कि वैसे भी डिस्पोजेबल है, लाइबिलिटी कमा के तो देते ही नहीं, कुछ कहना कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते नहीं, इनका माइंड सेट तो वैसा है। ग्रेट लीव फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में क्या इन्होंने अपने 60 करोड़ 6 करोड़ लोग नहीं मारे थे? दे किल्ड 60 मिलियन ऑफ देयर ओन पीपल। इस एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ लोग मरते हैं तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? डू यू थिंक दे बॉदर? माओ वंस टोल्ड नेहरू इट्स ओके फॉर फ्यू मिलियन चाइनीज डाई, ये तो माओ का कहना, कोट अनकोट, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो यहाँ आपको यहाँ शी जिनपिंग जो है चाइनीज आबादी से बदला ले रहा है, उसका जो गेम था चाइनीज इकोनॉमी को टूटने से बचाएगा जीरो कोविड बचा के, धीरे धीरे अपने फिर सत्ता में आया जीरो कोविड बता के, अब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, तो इसने कहा ठीक है मरो कुछ लोग, पूरा हटा देता हूँ रेस्ट्रिक्शन, डॉक्टर नहीं दवाई नहीं रेस्ट्रिक्शन हटाएगी। दुनिया में आपने देखा किसी ने रेस्ट्रिक्शन ऐसे हटाई? नहीं हटाई। और आज भी कोविड का नंबर जो है, ऑफिशियल नंबर जो है, देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, वो आप जानते हैं, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले किस्से तो सुनाता नहीं, वो जो कोविड का नंबर है वो आज भी कह रहे हैं हमारे पास 5,000 कुछ है। अगर 5,000 कुछ है तो मिलियन कहाँ से मरेंगे? मिलियन, और अगर मिलियनों को मरना था 14-15 दिन हो गए कोविड रेस्ट्रिक्शन हटाए हुए, डेल्टा का साइकिल 14 दिन का, अब तक क्यों नहीं मरे? और ये जो आपको एक और चीज बताऊं, आज नया बात आई थी जो मैं शुरू से कह रहा था, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये जो चाइनीज सब वेरिएंट कहते हैं ये मैडम 92 कंट्रीज में पिछले 2 साल से पाए गए हैं, तो नया वेरिएंट तो है ही नहीं। कौन सा नया वेरिएंट है, नाम बताए कोई? ये जो B7 वगैरह जो भी नया वेरिएंट बता रहे थे लोग, बट आज एक क्लेरिफिकेशन आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आई थी, दे आर फाउंड इन 91-92 कंट्रीज फॉर लास्ट 2 ईयर्स। आधार पुणे वाला जीने का, डरने की कोई बात नहीं, वी आर क्वाइट सिक्योर्ड। और यहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, यहाँ पे कोविड हटता है, यहाँ पे वीडियो आने शुरू होते हैं, 7वें दिन तवांग होता है। अगर जिस कंट्री की हालत इतनी खराब है तब वो मिलिट्री एग्रेशन करेगा क्या? नॉर्मल कंट्री करेगी ऐसा? नहीं करेगी। तो ये एक स्मोक स्क्रीन दुनिया को बताने के लिए दिखाया जा रहा है, दुनिया को ये बता रहे कि देखो, अब देखिए अब क्या हो गया, कोई कहता चाइना से फ्लाइटें बंद कर लो, इंडिया वैसे बताओ, इंडिया चाइना डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं जाती, लोग इधर उधर से, देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया चाइना। दुनिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, दुनिया रिसेशन में आ रही, इंडिया रिसेशन में नहीं है तो उसको लाने की पूरी कोशिश कर रहा कि इंडिया रिसेशन में आ जाए। आप बताइए, यहां से आप कह रहे लोग मर रहे हैं, हवाई दवाई नहीं है, ये नहीं है, यहां से चाइनीज फॉरवर्ड पोस्ट ने अरोंग तवांग देयर इज अ मूवमेंट। आपको पता कल हमने गरुड़ कमांडोज डिप्लॉय किए पूरे अरुणाचल और पूरे सिक्किम में और अपने पूरे LAC पे, because we were suspecting some movements from Chinese. अगर वहाँ कोविड इतना है तो यहाँ मिलिट्री मूवमेंट क्यों कर रही है? अगर आपका इकोनॉमिक आउटलुक 2.7 आ रहा, आप हमारे 7% इकोनॉमिक आउटलुक से परेशान हो, अगर हम 3.4 या 4 ट्रिलियन पे वगैरह सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, आप 15 ट्रिलियन पे भी डिपेंडेंट इकोनॉमी, ऐसा क्यों? आपका डेट $45 ट्रिलियन है, हमारा डेट $600 बिलियन है। वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन वॉट वी प्रोड्यूस एंड यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन $15 ट्रिलियन ऑफ GDP। मैंने 3 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का निकाल दिया, ये कह रहे 18 ट्रिलियन हमारा GDP, 3 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का निकाल लिया, 15 पे भी आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, हम 3.5-4 पे कर रहे हैं।
आपकी आबादी हमसे केवल 4% 5% ज्यादा है या 10% ज्यादा है, 5% है, और आपका जीडीपी हमसे 4 गुना है जो आप क्लेम करते हो, तो सच्चाई क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, कितना चाइना का? नोबडी नोस। और जब पहले जीरो कोविड था, अब आप तो आप सर्वाइव नहीं कर रहे थे कि जी जीरो कोविड है, फिर कोविड खोला, आप कह रहे हो कोविड आ गया, मतलब चित भी मेरी पेट भी मेरी है, वो शोले वाला काम हो गया, दोनों साइड के दोनों सिक्के मेरे। और इस सब में आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप मिलिट्री को फॉरवर्ड पोस्ट पे मूव कर रहे हो, क्योंकि मेरे कुछ सोर्स पे इंफॉर्मेशन दिस इज वेरी सस्पिशियस, यू नो, इवन आई एग्री। मैंने सर आपके साथ पहले भी दो शो किए हैं और मैंने बाकी गेस्ट के साथ भी मैंने कई शो किए हैं, वहां पर यह आ रहा है कि जो दवाएं जो निकल के आ रही हैं, दवाइयों की मारा मारी है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लोग सड़क पर मर रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस आ रही हैं। एट द सेम टाइम दे हैविंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अभी भी नहीं रुका है एट द सेम टाइम। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रुथ? ट्रुथ इज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया टू बिलीव। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये सारे वीडियो अभी क्यों आए, तवांग के 7 दिन पहले क्यों आने लगे, तवांग के बाद क्यों आने लगे? ये चाहते हैं कि आप लीव करो, चाइना में तराहिमा मचा है, चाइना में हालत है, चाइना देखो लोग मर रहे होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मर तो पहले भी रहे थे ना, अभी थोड़े ना मरना शुरू हुए, अब ये वेरिएंट ही नहीं है। देखिए प्रोपोगंडा उड़ाना, यहाँ हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि दो हेडलाइनें आ जाती है, उसको सब एनालाइज करके उस पर अपना विश्लेषण दे देते हैं, बट नोबडी ट्राइज टू गेट डीप इनटू फैक्ट्स एंड एनालाइज द लॉजिक। अगर आप लॉजिक और फैक्ट्स को एक्सट्रोपोलेट करेंगे, यू विल फाइंड देयर इज नो स्टोरी, स्टोरी डजंट होल्ड ग्राउंड। भाई 29,000 लोग तो रोज मर रहे हैं ना, आपके 4 डेड बॉडीज पड़ी दिखे। रॉयटर्स की न्यूज के हिसाब से, सर मैंने आपसे न्यूज आर्टिकल भी शेयर किया था, रॉयटर्स की न्यूज के हिसाब से वेंसडे को देयर वाज नॉट अ सिंगल डेथ। करेक्ट, ओके, वेंसडे की बात कर रही हूं मैं, अभी रोज आर्टिकल भी शेयर कर लेती हूं। तो दूसरी बात वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं, 29,000 पर डे इट्स एवरेज इन चाइना। तो अगर कहां लिखा है कि ये डेथ्स कोविड से, चाइना ने डिक्लेयर किया कि ये डेथ्स कोविड की नहीं किया है, how are we contemplating looking at a dead body it is because of covid? who told us this? and even if china tells you this, do you believe the number? according to them, hum unke 5,500 log kul mare hain aaj tak covid se, jab hamara at peak of second wave tha almost itne log unfortunately ek din mein mar rahe the hamare, us mein to aap jaan rahe 1 million se zyada log mare, par china kehta jo most populous country in the world keh raha mere 5,000 log mare, how do you matlab aren't you getting the idea that they are making you believe something while as they have different designs? अब बोलेंगे डिजाइन क्यों है गायत्री जी? डिजाइन सिंपल ये है, जी को जिंदा रहने के लिए जमीन चाहिए जी। कुछ चाहिए, कुछ मिलिट्री विक्ट्री चाहिए, कुछ ना कुछ विक्ट्री चाहिए, उसकी जमीन खिसक रही है, उसके लिए नियरेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है अभी इंडिया पे का एक शहर, एक पोस्ट, कुछ जमीन हथियाना, ताकि वो ही गेट्स ब्रीदिंग स्पेस। नहीं तो कोविड के पीक में व्हाई डिड ही अटैक फ्रॉम तवांग? देयर वाज नो रीजन टू अटैक तवांग। आप बताइए हमारे घर में कोविड है, आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर उसने इस पे कब्जा कर लिया, जो इंटरनल फेलियर्स है उसके, जो कोविड मिसमैनेजमेंट है उसका, जो सारी जगह वाट लगी, दैट विल बी हिडन, वो सब बच जाएगा बाय विद वन मिलिट्री विन, एंड जी इज लुकिंग फॉर वन मिलिट्री विन। ताइवान स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, साउथ चाइना सी ही कैन नॉट अफोर्ड। उसके बाद ऑप्शन क्या बचता? ऑप्शन बचता लद्दाख या LAC, और ये तो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, 2-3 महीने से आपको कह रहा हूँ, जैसे पोलिट ब्यूरो की मीटिंग मैंने कहा LAC विल हीट अप एंड LAC डिड हीट अप, और अब आप देखिए LOC भी हीट अप होगी, वो तो तहरीके तालिबान ने उनको बिजी कर रखा, अदरवाइज LOC वुड हैव हीटन अप बाय दिस टाइम। जी इज लुकिंग फॉर अ एनी इवन स्मॉल मिलिट्री विन टू समहाउ कन्विंस दैट ही इज इन पावर। और इससे क्या होता है, चीजें को एक्सटर्नलाइज किया जाता है, अंदर की चीजों को अगर आपको बाहर करना है, अब यही तो करोगे, आपकी कोशिश यही तो रहेगी, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, हम देखिए हो क्या रहा है। Shanghai Deji Hospital posted on its WeChat account late on Wednesday estimated that there were about 5.43 million positives in the city and that 12.5 million in China's main commercial hub will get infected by the end of the year. But isi same article mein when we go down, in the same article when we go down and we read the entire lot, they say there was not a single death on Wednesday. मैं वो मेरे को बता मेरे को बता 12.3 million infected है, 14 दिन का cycle है, तो 1% casualty है, death rate है, तो how many should die? Do the mathematics ना, हम बात करें 12.3 million and की करीब 12.1 crore 20-25 lakh लोगों की, 10% कितना होता, 12-15,000 लोगों की death होनी चाहिए 15 दिनों में, नहीं हो रही है ना, just because of COVID नहीं हो रही है ना, so the numbers don't hold right.
दे आर जस्ट ट्राइंग टू लेट द वर्ल्ड नो, ये सब फसाड किया गया है शी के फेलियर्स को हाइड करने के लिए, टू हाइड हिज फेलियर्स, टू हाइड हिज मिसमैनेजमेंट। ना पहले जीरो कोविड पे ब्लेम था, अब कोविड पे ब्लेम आ गया। ये बोले ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, राइट, बैटिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा, मैच भी मैं जीतूंगा, बता भाई तू खुद में खेल ले। मैं एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहती हूँ, जैसे आप स्मोक स्क्रीन की बात कर रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक कि सच में कोविड बहुत ज्यादा हो, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि आपके कंट्री में कोरोना फैला हुआ है इतनी बुरी तरीके से और आप मिलिट्री और बाकी चीजों पर फोकस करें, वो एक डाइसी में। तो एक दूसरा एंगल भी हो सकता है कि दे आर सो पोजेस्ड विद एंटी इंडिया थॉट्स कि वो डिस्पाइट कोरोना वो ये सब चीजें कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली टू क्रिएट अ वेव ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो कि भाई देखो हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, हम बीमारी से ग्रस्त है, बट इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। कोई कंट्री ये नहीं कहता ना कि हमने अटैक किया, पाकिस्तान भी तो यही नरेशन चलाते हैं अपने कंट्री में टेक्स्ट बुक्स में कि हमने उन पर अटैक किया था, वो कभी ये सच नहीं बताते कि उन्होंने हम पे अटैक किया था। जी देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ जैसे सी डेस्परेट होगा उसके पास तीन ऑप्शन है, हिमालय, साउथ चाइना सी, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, चौथा ऑप्शन उसके पास कोई है नहीं। और जो सबसे वायबल और सस्ता ऑप्शन उसके पास है फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, वेयर इन ही कैन क्लियर, ही कैन फ्लेयर अप द एलएनसी, ही डजंट वांट अ वॉर, अंडरस्टैंड, ही जस्ट वांट्स टू फ्लेयर अप द एलएनसी, दैट इज हमारे लद्दाख या हमारे एलएसी पे पूरे। यहाँ पे क्या है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए अभी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, और कुछ ना कुछ अपने लोगों को दिखाने के लिए। वॉर इज अ गुड आइडिया, उसको एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना नहीं, वो इंडिया से घबराता, वो इंडिया से डरता है। अगर इंडिया से घबराता डरता नहीं होता तो पिछले 2 साल से वहाँ बाहर की मक्खी नहीं मार रहा होता। मुझे बताइए गायत्री जी, ये जो हमें वीडियो अब दिखाई जा रहे हैं, ये अचानक 8-10 दिन से क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा क्या हो गया चाइना में कि 8-10 दिन में सब दिख रहा था, 7-10 दिन पहले में कुछ नहीं दिख रहा था? ऐसा क्या हो गया चाइना में कि 10 दिन पहले कोई नहीं मार रहा था, कोविड से आ रहे सब मार रहे? अगर आप मॉडल्स को भी स्टडी करें, वीक इट टेक्स अराउंड 4 साइकिल्स, 14 दिन का एक साइकिल होता है, टेक्स अराउंड 4 साइकिल्स फॉर एनी वेव टू स्ट्रेंथन। तो अगर ये अभी स्ट्रेंथन होकर डेथ हो रही, तो ये मतलब ये फिर 2 महीने से लगभग कहानी चल रही थी। तो अगर 2 महीने से कहानी चल रही थी, वीडियो कोई क्यों नहीं आया? और हॉस्टल की स्ट्रेंथ कितनी बताते हैं, 400, कहते हमारे 100 आउट पेशेंट आ रहे थे, अब 400 आ रहे हैं, और ये सारे बुड्ढे हैं। और मुझे बताइए, वैसे भी ओल्ड एज वालों को थोड़ा दिक्कतें होती है रेस्पिरेटरी हमारे इसमें, और यही भी इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कहते कहते इनमें ये कोविड पेशेंट भी नहीं है, और यही आर्टिकल, यही क्लेम फिर वीचैट से गायब भी हो जाता है, यही क्लेम फिर वीचैट से गायब भी हो जाता है। ये देखिए अथॉरिटेरियन रेजिम है। आप देखिए, एक दो चीज बताऊंगा, पीक ऑफ वुहान में शी जिनपिंग जाता है वुहान लोगों का कोविड का जांच करने, वेयरिंग अ सर्जिकल मास्क, 2 पैसे का सर्जिकल मास्क, नॉट इवन N95। बाद में पता लगा वो एक सेट बनाया था, एक हॉस्पिटल का सेट बनाया था, हॉस्पिटल गया ही नहीं, वो उसके पैलेस में एक सेट बनाया गया, जैसे बॉलीवुड में सेट बनाते हैं ना, वैसे एक सेट बनाया गया, वहां पे देखा है लोग मीडिया के अटेंशन के लिए, टू शो एवरीथिंग इज राइट। क्या वुहान पूल पार्टी असली थी? नहीं थी। वुहान पूल पार्टी के वीडियो जारी किए गए, सेलिब्रेशन सब हो रहा, नाच गाना सब हो रहा, वो असली था? नहीं था। तीसरी बात, आपने गलवान के बाद वीडियो जारी किए गए, चाइनीज के जो घटिया चाइनी एक्टर है, इनको चाइनीज PLA के सोल्जर बना बना के डॉक्टर्ड वीडियो बनाए गए, फिर लोगों ने जब पकड़ना शुरू किया, ये तो ये वाला एक्टर है, ये तो ये वाला एक्टर है, तो ये वाला एक्टर है, वो वीडियो हट गए। गलवान की कब्रें इन्होंने छुपाई अपने लोगों की, गलवान के लोगों का फ्यूनरल छुपाया इन्होंने। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने आज तक पिक्चरोग्राफी सिनेमा का भी पूरा उपयोग किया, बॉलीवुड वाले इनके सामने पानी भरते, ये तो फिर भी नकली बनाते, तो असली, ये तो ओरिजिनल से भी असली वीडियो बनाते। अगर लोगों में वो गिद्ध की आंखें न हो, चील की आंखें न हो, पता भी नहीं लगे इन्होंने क्या असली बनाया क्या नकली बनाया। जिस कंट्री में प्रेजिडेंट का विजिट नकली, PLA का सोल्जर नकली, जिस कंट्री में वुहान पूल पार्टी नकली, जिसमें वैक्सीन नकली, वहां असली क्या है? सवाल ये नहीं है नकली क्या है, सवाल ये है असली क्या है। मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ, हमें चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को क्रिपल करना, हमारे डिफेंसेस को क्रिपल करना, और आपने एम्स के, हमने साइबर अटैक की बात तो की थी, हॉस्पिटल से डाटा चुराना, ये सब, इस सबके तार जुड़े हैं कहीं ना कहीं, और उनको तकलीफ है। जितना इंडिया ऊपर जा रहा है उतना चाइना नीचे आ रहा है। उनका चाइना की आंखों का कांटा है इंडिया और कुछ नहीं है, चाइना की आंखों का कांटा है BJP, चाइना की आंख का सबसे बड़ा कांटा है मोदी जी, मतलब दे कैन नॉट हैंडल दिस मैन, और वो कुछ भी करेंगे। मैं तो कोई तो मुझे ये भी कह रहा था, जो वायरस होता है माइग्रेटरी बर्ड के थ्रू रिलीज किया जाता है, देयर इज अ बॉक्स अटैच्ड टू अ बर्ड, व्हेन ही क्रॉसेस ओवर, देयर इज GPS ऑफ द थ्रू अ सैटेलाइट टू ट्रैक इट, एंड
you can open the box and the virus is dropped into it. So even migratory birds are being used by China to spread the virus. So यहाँ चाइना कुछ भी कर सकता है और साइबेरिया के थ्रू जो बर्ड्स आते हैं रूट वहीं से आता भी जी. Oh my God, yes, you're right. अच्छा सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is, he is trying to get away with the older population using this means as well, and there have been very subtle hints. अभी जो मैंने आर्टिकल का बात किया, जो कि रॉयटर्स का है आर्टिकल, में वो शेयर कर लेती हूँ. He is trying to get away with the older population using these tactics. उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी. जी सर. देखिए, अभी अगर आप आर्टिकलों को केयरफुली पढ़े तो उसमें कह रहा है दीज आर ओल्डर पीपल. ये कहीं चाइना क्लेम नहीं कर रहा वेरी स्मार्टली इनको कोविड है, नहीं कह रहा ना. ये जो हॉस्टल में आ रहे हैं बुड्ढे हैं, इनको कोविड है, ये कहीं क्लेम नहीं कर रहा. बॉडी बैग पड़ा है, इसको कोविड है, ये कहीं क्लेम नहीं कर रहा. नंबर अब भी 5,400 का या 5,200 का कैजुअलिटीज का है. यूएस में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए. तो यहां आप समझ रहे, चित भी मेरी पट भी मेरी. देखिए गायत्री जी, दे मे बी सम पीपल आर इंपैक्टेड, क्वाइट पॉसिबल. अगर आप एकदम खोलोगे तो लोग को इफेक्ट होगा, बबल आएगा. यहां बात समझने की, वेरिएंट आया है ही नहीं कोई. हमारी गवर्नमेंट ने जब एम से डाटा चोरी हुआ, तब मांडविया जी ने क्यों, मनसुख मांडविया जी ने क्यों कहा जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जाती है, कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आया जो हमारे स्क्रीन से बाहर निकल जाए. हमारी बिल्कुल गिद्ध की नजर बिल्कुल सटीक है हमारी स्ट्रेटजी. वी हैव टू लुक फॉर द न्यू वेरिएंट, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द कोविड इन्फेक्शंस. यहां पे अगर ये कुछ बुड्ढे मिशन के काम आ जाते हैं, इनके मिशन में काम आ जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है. ये बुड्ढे चाइना की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये लाइबिलिटी है. सोच रहे हो यार इसको, मतलब ये इनकी मेंटेलिटी ऐसी, ये देखिए. हाँ, इसमें इसमें ना सिर्फ सिर्फ बुजुर्ग है सर, इसमें दोज हुआ लिटिल जो डिफरेंटली डिसेबल्ड है, या फिर जिनके साथ पहले से कोई डिजीज है, यू नो, हु कैन बी जस्ट पार्टेड वेज विद लाइक दैट. हां, दे आर यूजिंग दिस एज अ वे ऑफ यूथनेशिया. It's a dignified way of euthanasia which they are using. Maybe these, unfortunately, these older population are the guinea pigs which are being used as guinea pigs. China hai kuch bhi ho sakta hai. Ye India thodi na ki yahan ek ek aadmi ki kimat hai. Yahan hum to ek amne to hum apne buzurgon ke liye to hum jaan de de unhe unke matlab yamraj ke samne khade ho jaye. Wahan unhe kya fark padta hai? Ab dekhiye wahan ki jo social economic condition hai bahut kharab hai. Main ek cheez bataun aapko. Simple ek cheez. रियल एस्टेट टूट गया 9 ट्रिलियन का, 30% जीडीपी चलता है रियल एस्टेट से. सोचिए, ईश्वर ना करे, महादेव ना करे, हमारे कोई ऐसी चीज होती जो हमारा 30% जीडीपी छोड़े, तो सोसाइटी के अंदर क्या हालत होगी. मतलब 30% ऑफ योर पीपल हैव नथिंग टू डू, 30% ऑफ योर इकोनॉमी इज गॉन विद वन सेक्टर गोइंग डाउन द ड्रेन, और वी आर स्टिल बिलीविंग इन चाइना एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. व्हाई डिड शी वांट ताइवान? शी वांटेड ताइवान एज अ फेस सेवर. नहीं तो इस मौसम में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे 13,000 फुट से ऊपर हमारे भाई डटे हुए हैं हमारी रक्षा करने के लिए. आई सैल्यूट देम, द मैन ऑफ स्टील. तब ये करने की जरूरत क्या थी? 600 लोग लेके आए थे पोस्ट पे कब्जा करने, वो नहीं कर पाए. डोंट यू अंडरस्टैंड, ही इज डेस्परेट. अगर कोविड हुआ तो कोविड से लड़े ना. और अब भी उसने किसी कंट्री से वैक्सीन नहीं मांगी है. अभी क्या चाहिए उसको, जबकि नौ चाइना की वैक्सीन, सो कॉल्ड वैक्सीन, जिनमें वायरस और वैक्सीन सेम ही कहता हूँ, आर अप्रूव्ड. पर उसने किसी भी कंट्री से वैक्सीन अब तक भी नहीं मांगी है. अगर ये त्रास दिए तो अभी वैक्सीन चाहिए या ताइवान चाहिए, हमारा पोस्ट चाहिए या वैक्सीन चाहिए, अभी अदावत चाहिए, दोस्ती चाहिए. और इतने पैसे तो चाइना के पास से किसी भी वैक्सीन खरीद सकता है, वो मांग भी नहीं रहा वैक्सीन. तो आप समझिए ना, दो हेडलाइनें देख के अपना विश्लेषण देना कोई, इट इज नो एनालिसिस. यू हैव टू लर्न टू लुक थ्रू द मिरर्स. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू हैव टू लर्न टू लुक थ्रू द मिरर्स, बिकॉज योर एनिमी इज कैपेबल ऑफ कैमोफ्लेज. सीसीपी बिलीव्स इन टोटल वॉरफेयर, 360 degree warfare, which includes mind, perception, thought, emotion, everything. We are up against a chameleon of an enemy. ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला दुश्मन है. घास में हरा हो जाता है, मिट्टी पे ब्राउन हो जाता है, पीले सूखे पत्तों पे पीला हो जाता है. जब तक हम इसकी इसको गिरगिट के चश्मे से नहीं देखेंगे, think of him as a chameleon. और वैसे भी चिमगाड़ की जात की औकात कुछ नहीं होती, वही चाइना की भी है. जब तक आप ऐसे नहीं देखोगे, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे. अगर आप पकड़ना, उसके लेवल पे आना पड़ेगा, वे उसकी की तरह सोचना पड़ेगा. नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल दुश्मन नहीं है. पाकिस्तान जैसा जिहादी सामने आके लड़ता है, उसकी आर्मी सामने आती, ये सामने कभी नहीं आएगी आपके. ये कभी ना, ये तो पीछे से ये बात तो सर, आई एक्चुअली वुड एडमायर पाकिस्तान फॉर दैट. ये तो हमेशा पीछे से ही करते हैं, क्योंकि आगे से कभी कोई वॉर जीत नहीं पाया. 1962 वाज नॉट अ वॉर, वाज अ backstab. आपको एक और बात बताऊं,
जिस हिसाब से हमने धुलाई की ना इनकी, ताइवान तो कह रहा है इंडियन आर्मी से हमें ट्रेन कराओ, हमारे रिजर्व इनके लिए बहुत है, दुनिया भर में इनकी इतनी धुलाई हुई है, इतनी धुलाई हुई है, मतलब धोबी धोबी का वो नहीं होता वो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक शी जिनपिंग हैज गिवन अप नाउ फाइनली, और या फिर जी जिनपिंग इज डाउन ऑन हिज नीज नाउ एंड चाइना इज डाउन ऑन हिज नीज नाउ? चाइना की हालत खराब है, चाइना का फ्रैंकस्टीन है शी जिनपिंग, चाइना की हालत खराब, बट वो मैन डेस्परेट है, ही इज डेस्परेट फॉर पावर, ही कैन गो टू एनी लेवल्स, इनफैक्ट आई हैव बीन टेलिंग ऑन ऑल द चैनल्स एंड नेशनल टीवी, प्लीज बी प्रिपेयर्ड, लुक टू दिस डायमेंशन थ्रू मल्टीपल प्रिज्म्स, जितना शी डेस्परेट होगा उतना वो कुछ भी कर सकता, और इसीलिए कल हमने वी कैन अंडरस्टैंड हिज डिस्पोजिशन, वी आर सीइंग थ्रू हिज डिजाइंस, इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड, कल हमने हमारे कमांडो सारे एयर स्ट्रिप्स पे डिप्लॉय क्यों कर दिए, वी मूव द फ्रॉम लद्दाख टू दिस अरुणाचल एंड सिक्किम, एंड ये वाला जो पार्ट है हमारा एनओसी का उत्तरांचल, वहां हमने डिप्लॉय कर लिया, हम यूएस के साथ एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं ओली में, हम अभी अलास्का में एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गायत्री जी हम गेम में आगे हैं, और मैं तो खैर कहीं खड़ा नहीं होता, मुझसे बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे, वी आर अहेड इन द गेम, देर इज नो वे चाइना कैन बिफूल अस, 1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं, मोदी का भारत, बिल्कुल सर बिल्कुल, भाई भाई और नो मोर नो मोर गुसाई नो मोर नेवर एवर नेवर एवर एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द अल्टरनेट मीडिया, हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और इंटरेस्टिंग नए नए एंगल्स पर बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सबको साधुवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।